काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ आपको आया हुआ है। डुअल कैमरा का सेटअप आपको मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल काफ़ी अलग तरह का दिया है आपको दोस्तों, बॉक्सी डिज़ाइन के साथ मिल जाता है। बैक में आपको एजी मैट ग्लास दिया हुआ है जो कि एंटी फिंगरप्रिंट है, मतलब यानी कि आपको हाथ का दाग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो बैक में डुअल कैमरा है, यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट मिल जाता है। ऊपर की साइड में आपको एक सेंसर दिया हुआ है, सेंसर के टाइप का आपकी कैमरा टाइप का बिंदु दिया हुआ है। नीचे लिखा हुआ 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा। राइट हैंड साइड में आपका सिम इजेक्टर टूल है, तो देख लेते हैं दोस्तों ये हाइब्रिड है या नहीं। आप ये 2 SIM+ मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो इस बॉक्स में दोस्तों डेडिकेटेड स्लॉट दिया, यानी कि 2 SIM के बाद भी आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अप टू 1 TB हार्ड डिस्क तक इसमें सपोर्ट करता है। फ़ोन को जल्दी से ऑन भी कर लेते हैं। बाकी चीज़ वॉल्यूम अप एंड डाउन आप बटन दिया, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में यहाँ पावर बटन भी दिया, और यही ये आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का काम करता है। ऊपर की साइड में कुछ भी नहीं है। नीचे की साइड में यहाँ का स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट है, और हेडफोन जैक के साथ माइक्रोफोन दिया हुआ है। तो लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये काफ़ी हैवी फील हो रहा है, पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि ये 6.78 इंच का फुल HD+ का डिस्प्ले आपको दिया हुआ है दोस्तों, डिस्प्ले क्वालिटी। और बेजल्स की बात करें तो काफ़ी छोटे छोटे बेजल दिए हैं, पतले बेजल हैं, चारों साइड में आपको एक ही टाइप का बेजल दिया, और एक पंच होल डिज़ाइन के साथ है। स्क्रीन की साइज़ की बता देते हैं आपको दोस्तों, फिर से 6.78 इंच का फुल HD+ का IPS स्क्रीन दिया हुआ है। 90 Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और टच स्क्रीन काफ़ी फास्ट एंड स्मूथ है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। जैसे कि विजिबिलिटी के मामले में देख लीजिए, ब्राइटनेस की हालांकि थोड़ा सा मुझे यहाँ कमी लग रहा है, जैसे कि आप देख लीजिए। आउटडोर बिजली में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि इंडोर लाइट में आपको जो दिया हुआ है, और इसका UI थोड़ा सा अलग किस्म का है बाकी अदर फोन से। और हार्डवेयर पार्ट की बात करें तो कंपनी ने इसमें जो प्रोसेसर दिया हुआ है MediaTek का G88 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस पर आपको काम करता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 13 मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और फ़ोन को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और रैम और रैम की बात करें तो इसमें 8 GB पहले से दिया, और अप टू 8 GB आप वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं, तो टोटल अप टू 16 GB आपको हो जाता है। मान यानी कि रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है। इंटरनल की बात करें तो इसमें 128 GB इंटरनल मिल जाता है दोस्तों, तो इसमें 1 TB आप तक बढ़ा भी सकते हैं। 5 mAh का बैटरी मिल जाता है, और 18 W का फास्ट चार्जर है, और स्क्रीन का रेजोल्यूशन फुल HD+ आपको दिया हुआ है, और सिक्योरिटी पैच वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं कैमरा की, तो कंपनी ने इसमें जो कैमरा जो दिया हुआ है बैक में 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा आपको दिया हुआ है। 50 पे भी क्लिक कर लेते हैं। अब फ्रंट कैमरा जो दिया हुआ है वो है आपका 32 मेगापिक्सल का, तो कैमरा क्वालिटी इसका भी देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्रंट 32 मेगापिक्सल कैमरा है, क्वालिटी 32 वाला तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही है, क्योंकि इतना कम प्राइस में 32 मेगापिक्सल देने का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, प्योर 32 तो होगा नहीं। बैक कैमरा में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, तो कैमरा क्वालिटी बैक का इसका काफ़ी अच्छा है, डिटेलिंग काफ़ी इनफ है, कलर भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। पोर्ट्रेट मोड सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। मोड्स की बात करें इसमें तो फिल्म मोड आ जाता है, वीडियो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, सुपर नाइट मोड, सारा चीज़ आपको मिल जाता है। और वीडियोग्राफी में आपको जो फ्रेम रेट मिलता है 30 FPS पे सारे मोड में। और एक चीज़ यहाँ प्लस पॉइंट है दोस्तों, यहाँ 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि 1080 से ऊपर का लेवल का इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है 2K फुल HD+ और HD+ का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों कैमरा से, क्योंकि इसमें हायर मेगापिक्सल का कैमरा आपको दिया हुआ है, तो कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक है दोस्तों। और लुक एंड डिजाइनिंग काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस तो G88 का गेमिंग प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि 12 नैनोमीटर पे बेस है, और हल्का फुल्का आप गेमिंग आप आराम से कर सकते हैं। UI की बात करते थोड़ा सा अलग UI आता है, जो पहले वाले माइक्रोमैक्स वाले फ़ोन में जो होता था उस टाइप का आपको जो दिया हुआ है। तो बाकी बस इतना ही दोस्तों इस फ़ोन में। और फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो मुझे पर्सनली फ़ोन का लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे इसमें टोटल 2 कलर आते हैं, एक और कलर हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों।
तो एक ये है इसका दूसरा वाला कलर जो कि वाइट कलर है। दोनों खूबसूरत ही कलर है, मुझे तो पर्सनली इसका वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। ये पूरा लगभग आईफोन के डिज़ाइन आपको टाइप का लग रहा है दोस्तों, पूरा आईफोन 12 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स जो बोल दीजिए दोस्तों, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ आया है। प्राइसिंग की बात करो तो मात्र इसमें 12,499 के प्राइस में आपको आता है, और ये ऑफ़र करता है 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल, फुल HD प्लस का डिस्प्ले है, 6.78 इंच का फुल HD प्लस है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। कैमरा जो है फ्रंट कैमरा इसमें पंच होल डिज़ाइन मिल जाता है 32 MP का, बैक में जो 50 MP का कैमरा मिल जाता है, G88 का गेमिंग प्रोसेसर है जो ठीक ठाक गेमिंग को अप कर देगा, और 5 mAh की बैटरी के साथ 18 W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो 12,500 में आपके प्राइस में काफ़ी बढ़िया प्राइस में ऑफर ये फ़ोन ऑफर करता है दोस्तों। अगर आप टेक्नो का फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन ले सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस में 8 GB किसी भी ब्रांड के पास आपको नहीं मिलता है। तो ओवरऑल की रिव्यू की बात करें तो काफ़ी ओवरऑल बैलेंस फ़ोन है दोस्तों। अब 12,500 में क्या ही चाहिए। कैमरा ऑन एंड एवरेज है दोस्तों, कि हम सीधा रिव्यू की बात करें तो बाकी सारा सब चीज़ ठीक ठाक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट से जरूर बताइए, और फ़ोन आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।